हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपेंडिसाइटिस। इसमें आगे बढ़ने से पहले इसका एनाटॉमी जान लेते हैं। अगर कोई पूछे नॉर्मल लेंथ कितना होता है अपेंडिक्स का, तो नॉर्मल लेंथ होता है 2 से 20 सेंटीमीटर। एवरेज पूछे तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इंट्रालुमिनल कैपेसिटी पूछे अपेंडिक्स के अंदर, तो कितना ml होता है, तो 0.1 ml। क्या होता है ये? इंट्रा लुमिनल कैपेसिटी ऑफ अपेंडिक्स। अगर ब्लड सप्लाई की बात किया जाए तो अपेंडिक्स अपेंडिकुलर आर्टरी, और ये किसका ब्रांच है, तो इलियोकोलिक आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। ये जो अपेंडिकुलर आर्टरी होता है ना, इसको इंड आर्टरी भी कहते हैं। अगर बोलेगा कि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, अब इसमें आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे लोकेशन की क्या बात है, तो आपको पता है जो हमारा अपेंडिक्स है उसका क्या होता है, बेस फिक्स होता है, लेकिन टिप क्या होगा, इधर उधर फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं, 3 टेनिया होता है इस तरह से, जिसका जहाँ पे मिलता है ना वही बेस होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो ये लेट्रोसिकल एरिया में होता है, सबसे कम पोस्ट इलियक में होता है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस लोकेशन कौन सा होता है, तो कुछ बुक में कहता है पेल्विक और कुछ बुक में कहता है स्प्लेनिक, तो जो ऑप्शन में आए वो मार दीजिएगा। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एक्यूट मतलब जो थोड़े समय के लिए हुआ है, अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। ये मोस्ट कॉमन जनरल सर्जिकल इमरजेंसी होता है पूरे दुनिया में, यंग पेशेंट में देखा जाता है, यूजुअली सेकेंड डिके में। अगर इसका इटियोपैथोलॉजी की बात करें, तो ये एक तो ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो फीका लीथ। और भी कारण हो सकता है, ट्यूमर, बॉर्म एग, फ्रूट सीड, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन बोले तो वो होता है फीका लीथ। अब इसका होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, इंट्रान्यूमरल प्रेशर बढ़ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जिसके कारण अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इम्पेयर हो जाएगा, वेनस ड्रेनेज अब आर्टरी सप्लाई इम्पेयर हो जाएगा, जिसके कारण इस्कीमिया होगा और इसी के कारण परफोरेशन होता है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है परफोरेशन का, तो याद रखिएगा जस्ट डिजिटल टू ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसके जस्ट पीछे ऑन एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या कौन सा मिलेगा आफ्टर परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, तो वो होता है बैक्टीरियोडिस फ्राजिलिस, ईकोलाई से ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, तो पेली अम्बिलिकल रीजन में पेन मिलेगा, जो मेनली शिफ्ट कर जाएगा ये राइट इलियक फोसा में, जिसको हम कहते हैं माइग्रेटरी पेन। तो मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्पटम क्या है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, तो माइग्रेटरी, MIGRATORY, माइग्रेटरी पेन। और कौन सा है, एनोरेक्सिया, नौसिया, वोमिटिंग। अगर साइन की बात करें तो टेंडरनेस होगा राइट इलियक फोसा में, रिमोन टेंडरनेस होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पहला तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, दूसरा ये जो पेन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसमें कुछ साइंस भी हैं, ठीक है, तो चलिए साइंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे साइंस है। पहला जो साइन है उसका नाम है डुनफाइज साइन, डी से दादा याद रखें। दादा को याद रखने से क्या होगा, तो दादा को बहुत खांसी होती है, तो इसमें जब खांसी होती है ना कफ, तब पेन ज़्यादा होता है। दूसरा साइन कौन सा है, एरॉन साइन। अब एरॉन साइन में क्या होता है, जब हम प्रेशर डालते हैं ना कहाँ पे, मैकेरी पॉइंट पे, तो इपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन करता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, टेन हॉर्न साइन, इसमें क्या होगा, तो राइट टेस्टिस में जेंटल ट्रैक्शन करेंगे तो पेन फीलिंग होगी, ठीक है। अगला जो साइन है उसका नाम है रोविंस साइन, अब इसमें क्या होता है, पेन होगा राइट इलियक फोसा में जब हम प्रेस करेंगे लेफ्ट इलियक फोसा को, और ये मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन है एक्यूट अपेंडिक्स का, कौन सा, रोविंस साइन, SIGN।
अगला जो साइन है उसको कहते हैं रोविंग सिंड्रोम। अगला जो है रोविंग सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है तो इसमें मेनली हॉर्स शू किदरी बन जाता है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है स्पाइन का, जिसके कारण पेन, नौसिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होता है रोविंस ऑपरेशन, OPERATION। इसमें क्या होगा तो द रूफिंग ऑफ सिस्ट इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जो होता है जो रोविंस ऑपरेशन वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में देखने को मिलता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कौन सा, रोविंस ऑपरेशन। ठीक है, अब आते हैं ऑब्टुरेटर साइन में क्या होगा ना, जब हम इंटरनल रोटेशन करेंगे ना राइट थाई का तो पेन फील होगा ओवर हिप जॉइंट। ठीक है, ऑब्टुरेटर साइन पॉजिटिव होता है पेल्विक अपेंडिसाइटिस में। पेल्विक अपेंडिसाइटिस में क्या होता है तो ओरिएंटेशन ऑफ अपेंडिक्स कहाँ पे होता है तो टुवर्ड्स पेल्विक। ये क्लोज रिलेशनशिप करता है रेक्टम के साथ। इसमें एब्डोमिनल साइन आपको कम देखने को मिलेगा। इसमें इरिटेशन ऑफ रेक्टम हुआ तो क्या होगा, डायरिया होगा। अगर इरिटेशन हुआ यूरेटर में तो माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया होगा। ठीक है, साओस साइन में क्या होता है, जब हम हाइपर एक्सटेंशन करते हैं ना राइट हिप जॉइंट में, जिसके कारण पेन होगा किस में तो राइट इलियक फोसा में। ये मेनली पॉजिटिव होता है रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में। इसमें क्या करेंगे, राइट हिप जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो पेन होगा राइट इलियक फोसा में। ठीक है, अब आते हैं इसके एपिडर्मिलोजी में। मोस्ट कॉमन इमरजेंसी जनरल सर्जिकल डिजीज है। मोस्ट कॉमन ग्रुप 10 से 19 साल होता है। 70% पेशेंट 30 साल से कम के होते हैं। ये मेनली अब मैन को अफेक्ट करता है। इसमें परफोरेशन रेट कितना होता है तो 5 साल से पहले या 65 साल के बाद देखने को मिलता है। इसका इतियोलॉजी तो पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण लुमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड फ्लो और लिम्फ इनहेवीट हो जाता है, और इससे क्या होता है वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, और इसके कारण क्या होगा तो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगा और डिजिटल अपेंडिक्स परफोरेशन देखने को मिलेगा। 50% चांसेस में परफोरेट जो होता है वो गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस होता है। ठीक है, अब परफोरेशन के बाद क्या होगा, ये जो लीकेज होगा वो कंटेन होगा ओमेंडम और सराउंडिंग टिश्यू का, एब्सेस फॉर्मेशन होगा सराउंडिंग टिश्यू में, क्योंकि परफोरेशन के कारण उसके अंदर जो भी रहता है वो ये ओमेंटम में चला जाता है, सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है, जिसके कारण एब्सेस फॉर्मेशन, सीवियर पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्टिव सुपरोटिव थ्रोम्बोसिस होता है पॉल्टल वेन में। ठीक है, सिंपल केसेस तो अपने आप सही हो जाते हैं या एंटीबायोटिक देके, लेकिन जो ये सीवियर केसेस होते हैं उसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो अपेंडिसाइटिस है कोई भी ग्रुप में हो सकता है विद एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जिसमें पहले नहीं निकला है उसमें कभी भी बाद में हो सकता है। ये इसका एनाटोमिकल पोजीशन है, टेनिया जहाँ पे 3 टेनिया कॉलोनी मिला है वहीं पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका अलग अलग है, ये क्लॉकवाइज होता है, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है रेट्रोसिकल, और सबसे कम कौन पाया जाता है तो पोस्ट इलियक। ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसके अगर सिम्टम की साइन सिम्टम की बात करें तो अभी बताए थे एब्डोमिनल टेंडरनेस 95% लोगों में देखा गया है। साइन में क्या है, एब्डोमिनल टेंडरनेस, याद रखिएगा साइन में एब्डोमिनल टेंडरनेस होता है, फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, रिबोन टेंडरनेस, रेक्टर टेंडरनेस, सर्विकल मोशन टेंडरनेस, और सबसे कम क्या देखा गया तो सबसे कम पल्पेबल मास। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस होता है ना प्योरली क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल बेसिस पे और लैब इन्वेस्टिगेशन पे या अल्ट्रासाउंड पे। लीकोसाइटोसिस मेली लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अलग अलग होता है, बच्चों में अल्ट्रासाउंड करते हैं और बड़ों में क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होता है तो मेनली सी ई सी टी, किस क्या होता है सी ई सी टी।
अभी सीईसी थी क्या, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी करेंगे। इसका स्कोरिंग कैसे करते थे, इसका स्कोरिंग दो तरह से होता है, मतलब एक है जैसे जिसका नाम है एल्वा रादो स्कोर, और इसका दूसरा नाम मैन ट्रेल्स। क्या नाम है इसका, मैन ट्रेल्स, मैन ट्रेल्स स्कोर भी होता है। अब ये मैन ट्रेल्स स्कोर में क्या आएगा, एम ए एन टी आर ई एल एस। एम्स होता है माइग्रेटरी पेन, ये तो देख लिए, एनोरेक्सिया नौसिया वोमिटिंग, उसके बाद टी से टेंडरनेस, आर से रिवॉन टेंडरनेस, ई से एलिवेटेड टेम्परेचर, एल से ल्यूकोसाइटोसिस और एस से शिफ्ट टू लेफ्ट। तो इसमें याद रखिएगा सबका स्कोरिंग एक होता है दो को छोड़ के। एल टी का क्या होता है, दो, मतलब कि टेंडरनेस और ल्यूकोसाइटोसिस का स्कोरिंग दो होता है। अगर स्कोरिंग 9 से 10 है, मतलब कि सर्टेन डायग्नोसिस हो चुका है, हम उसे सही कर सकते हैं। 7 से 10 है, मतलब डायग्नोसिस, मतलब अपेंडिक्स के चांसेस हाई हैं। 5 से 6 हैं, ये कंडीशन को हम इक्यू वोकल कहते हैं, ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। इसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि इसको अपेंडिक्स है कि नहीं है, जिसके कारण बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम फिर बाद में सीईसीटी करते हैं डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए। अगर स्कोर 1 से 4 है फिर वो तो निगेटिव होता है। रिक्स फैक्टर क्या क्या होता है, अपेंडिकुलर परफोरेशन, पहला तो फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन, डायबिटीज मेलिटस, इम्यूनो कंप्रेस स्टेज, एक्सट्रीम ऑफ एज जैसे 5 से कम 65 से ज़्यादा, पेल्विक अपेंडिक्साइटिस, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी, पेशेंट को एक्यूट अपेंडिक्साइटिस है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी करना पड़ेगा, एब्डोमेन को पल्पेट करेंगे आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया, तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है, अपेंडिकुलर लंप। तो एक ये इसका रिस्क फैक्टर अपेंडिकुलर लंप भी हो जाएगा। अगर अपेंडिकुलर लंप है तो इसमें सर्जरी कंट्राडिक्टेड होता है, तो पेशेंट किया कैसे किया जाता है, कंजर्वेटिव मेथड से। कौन सा कंजर्वेटिव मेथड है, तो ओसनर सीरेन रेगिमेन, ये याद रखिएगा, ये कंजर्वेटिव मेथड है। अब ये जो ओसनर सीरेन रेगिमेन है ये क्या है, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है अपेंडिकुलर लंप का। इसमें मेनली हम क्या देखते हैं, ये जो अपेंडिकुलर लंप है इसके कंपोनेंट में अपेंडिक्स, इलियम, सीकम, ओमेंटम आता है। सर्जरी डन किया जाएगा जब अपेंडिकुलर लंप फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा इंजरी हो रहा है किसको, तो सिकम को, ठीक है। इसलिए जानने के लिए कि लंप है या ये इन्फ्लामेशन है, हम सीईसीटी करते हैं। सबसे पहले आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, अगर अब्सेस है तो उसको निकालते हैं, पल्स रेट टेम्परेचर ये भी 4 आवर्स पे मोनीटर करते हैं। मेनली जो पेशेंट है वो 24 से 48 आवर्स के अंदर सही हो जाता है, तब भी हम कंटिन्यू करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, परफॉर्म करते हैं इंटरवल अपेंडेक्टोमी, नॉट रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट। जो इंटरवल अपेंडेक्टोमी है वो सभी पेशेंट पे इम्प्रूवम नहीं है, लेकिन हाँ ओनली फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंस रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, जो बार बार अपेंडिसाइटिस है उनमें ये सिर्फ इंडिकेटेड होता है। इंडिकेशन फॉर सर्जरी, सर्जरी का इंडिकेशन कौन कौन सा हो सकता है, तो याद रखिए PSM, पल्स रेट हाई हो रहा है, पेन है जो स्प्रेड हो रहा है, मांस का साइज इंक्रीज कर रहा है, तभी हम सिर्फ सर्जरी करेंगे अपेंडिकुलर लंप में, ठीक है। हिस्ट्री, हम हिस्ट्री कैसे लेंगे, सबसे पहले क्लासिकल हिस्ट्री देखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट तो नहीं है, जैसे कि बॉल हैबिट में चेंजेस, मलेस, वैग्यू, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, पेन में माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं 12 से 24 घंटे के बीच में, पेन कैसा है, शार्प है, लोकलाइज्ड है, लोकल मसल रिगिडिटी और स्टिफनेस देखेंगे, नौसिया मेली एब्डोमिनल पेन के बाद ऑकर होता है, लेकिन ये एज पे अलग होता है, कभी कभी नौसिया पहले भी हो सकता है। वोमिटिंग वाला पेन आफ्टर ये जो वोमिटिंग वाली फीलिंग आएगी वो आफ्टर पेन होगा। इसमें मेनली क्या करते हैं ना, हम PVF देखते हैं,
जिसको मैंने ऐसे याद किया है PDF। तो पहले पेन आएगा, फिर वोमिटिंग आएगा और फिर फीवर आएगा, ठीक है। एनोरेक्सिया, क्वेश्चन पूछते हैं कि कहीं एनोरेक्सिया तो नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन द डायग्नोसिस इफ दे दिस इज अब्सेंट, ठीक है। कुछ जो पेशेंट है ना वो अस्थिर रहते हैं, मतलब ज़्यादा हिलते दुलते नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ताकि वो अवॉइड कर सके जो पेरिटोनियम इरिटेशन होता है उसको। कुछ बोलते हैं कि उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है जब वो कार में राइड करते हैं और ऊपर नीचे होता है, तब जब कफ करते हैं, तब स्नीजिंग करते हैं, तब भलसलवा में, ठीक है। डायग्नोसिस ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एटिपिकली लोकेटेड अपेंडिक्स में, जैसे कि जो माँ बनने वाली हैं या जो बहुत यंग हैं या बहुत एल्डर हैं, उन लोगों में अपेंडिक्स देखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। चिल्ड्रन में क्या होता है, स्मॉलर और ओमेंटम होता है, जिसके कारण लेस लाइकली टू वॉल ऑफ परफोरेशन। एल्डर में क्या होता है, सबस्टल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि नौसिया एनोरेक्सिया मिसिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फीवर भी देखने को मिलेगा। पेल्विक अपेंडिक्स पहले ही बता दिया था, इसमें डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, डायरिया, टेनिसमस, पेन, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरा एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे, क्लासिकल टेंडरनेस देखेंगे जो मेनली मैकबर्नी पॉइंट पे होता है। अब ये कहाँ पे होता है, ये मान लीजिए हमारा पेल्विस है, ये एसियास है, यहाँ पे हमारा अम्बिलिकस है, तो इधर से 1/3 और इधर से 2/3, मतलब मीडियल 2/3 1 और लेटरल 1/3 पे ही ये मेनली पॉइंट होता है, जहाँ पर मेनली हम जब दबाते हैं तो पेन फील होता है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। और एक साइन होता है, साइन के बारे में तो पहले ही बता दिए थे कि लेफ्ट की तरफ दबाएंगे तो राइट की तरफ पेन करेगा, अब तो रीता साइन, इलियोसोस साइन सब पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, तो रेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे। कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता है अपेंडिक्स, बट हाँ लेफ्ट शिफ्ट ज़रूर करता है। लेफ्ट शिफ्ट किसका, तब पोलीमोनो न्यूक्लियोसाइट का, मतलब न्यूक्लियो ये PMN का, जिसमें लिकोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेराइल पाइयूरिया या मेथ्यूरिया भी प्रेजेंट होगा अगर अपेंडिक्स इन्फ्लेमड हुआ तो। लेबोरेटरी टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट पहले करते हैं चाइल्ड बियरिंग एज में, सर्विकल कर्वल्सर करवाते हैं कि कहीं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज तो नहीं है, ठीक है। अनीमिया और ये गोआइक पॉजिटिव स्टूल देखते हैं जो सजेस्ट करता है कैंसर के कॉम्प्लिकेशन को। प्लेन फिल्म मेनली नहीं किया जाता है, ये मेनली रूल आउट करने के लिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेटेड विस्कस और यूटेरोलिथियासिस को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड ऑपरेटल डिपेंडेंट होता है, इसमें क्या होगा, वॉल थिक होंगे, अपेंडिकुलर डायमीटर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन इमेजिंग में यूज भी होता है। CT scan 94% सेंसिटिव है और 95% स्पेसिफिक है, यूजफुल अगर डायग्नोसिस डॉटफुल रहा तो। डायलेशन कब होगा, जब 6 mm से ज़्यादा वॉल थिकनिंग हो जाएंगी तब। अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, पेन ही सब लेते हैं तो हम सही हो जाता है पेन, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेडिकल हिस्ट्री देख लिए, पी देख लिए, लैब देख लिए, फिर भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो अपेंडेक्टोमी किया जाता है। अगर अभी तक डायग्नोसिस अनसर्टेन है तो रिपीट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है 6 से 8 आवर्स पे। फ्लूइड स्टेटस सही किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सही किया जाता है ऑपरेशन से पहले, इसमें आइदर लेप्रोस्कोपिक या ओपन अपेंडेक्टोमी किया जाता है फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें अगर फ्लेम या अब्सेस रहा तो हम क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। अगर अब्सेस 3 cm से ज़्यादा रहा तो ड्रेनेज करवाएंगे, बॉल रेस्ट करेंगे, अपेंडेक्टोमी मेनली आफ्टर 6 to 12 weeks किया जाता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी में क्या करेंगे, तो ये मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है,
ठीक है, और मोटे लोगों में किया जाता है। ये लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन इसके कारण होता है। शॉर्ट टाइम हम स्टे करते हैं और ये हॉस्पिटल में, उसके बाद जल्दी नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इसमें इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फीवर, लिगोसाइटोसिस, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें ये भी पढ़ लेते हैं कि ये अपेंडिक्स में कैंसर या ट्यूमर कैसा होता है। तो कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होता है ना, वो होता है कार्सिनोइड ट्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं, अका अर्जेंटा फिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल लोकलाइज्ड होता है और इसमें मेटास्टेटिस नहीं होती है। इसमें नॉट एसोसिएटेड विद कार्केनोइड सिंड्रोम, कार्केनोइड सिंड्रोम से मिलता नहीं है। ठीक है, इस मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, तो टिप ऑफ द अपेंडिक्स। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर रहा तो अपेंडेक्टोमी, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तो राइट हेमिकोलेक्टोमी, अगर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर से भी क्या है बीच में रहा तो भी हम अपेंडेक्टोमी करेंगे। इंडिकेशन क्या होता है राइट हेमिकोलेक्टोमी का, तो मेजो अपेंडिक्स इन्वॉल्व हो, सिकल बेस इन्वॉल्व हो या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, अभी जो अपेंडेक्टोमी करते हैं वो करते कहाँ पे हैं, तो मैकबर्नी पॉइंट पे। ये कहाँ पर होता है, द लेटरल 1/3 फ्रॉम द अम्बिलिकस और मीडियल 2/3 फ्रॉम द एसियास। ठीक है, कहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है, तो देखिए ये जैसे कि ये हमारा ASIS है, ये हमारा अम्बिलिकस है, तो इसमें इस तरह से लाइन कर देंगे, तो एसियास से करेंगे तो 1/3 और मीडियली, और अगर अम्बिलिकस से करेंगे तो 2/3 लेटरली किया जाता है। जो पॉइंट मिलता है उसी को हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। इसी मेनली जो मैकबर्नी पॉइंट है ना, ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स कहलाता है। इंसीजन में क्या कहते हैं इसको, मैकबर्नी इंसीजन कहते हैं। ये इंसीजन मेनली मैकबर्नी पॉइंट पे किया जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है अम्बिलिकल एसियास लाइन का। इसको ग्रीड आयरन इंसीजन, मैक ऑर्थर इंसीजन भी कहते हैं। इसमें मसल स्प्लिटिंग इंसीजन किया जाता है। दूसरा कौन सा है, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसीजन, ये किसके लिए, मेनली लेट्रोसिकल अपेंडिक्स के लिए किया जाता है, जिसमें अपेंडिक्स डिफिकल्ट टू बी विजुलाइज, अगर वो एक्सटेंड करेंगे मैकबर्नी ये इंसीजन से। ठीक है, इस पर पहले अपवाद और लेटरल कटिंग किया जाता है। इस सीजन में मसल कटिंग इंसीजन होता है और इसको मेनली लेट्रोसिकल अपेंडिक्स के लिए किया जाता है। किसको, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसीजन। एक और होता है लैंग इंसीजन, इसमें भी क्या किया जाता है, मसल स्प्लिटिंग इंसीजन किया जाता है। तो याद रखिएगा मैकबर्नी और लैंग इंसीजन, लैंग मतलब LANG, लैंग इंसीजन में मसल स्प्लिटिंग इंसीजन किया जाता है और रदरफोर्ड मॉरिसन इंसीजन में मसल कटिंग किया जाता है। ठीक है, जो लेंज इंसीजन है उसको ट्रांसवर्स इंसीजन या स्किन क्रीज इंसीजन भी कहते हैं। ये कॉस्मेटिक के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है।